पुस्तकों के बारे में भारत का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान विश्व रंग पुस्तक यात्रा का आयोजन मध्य प्रदेश में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। यात्रा के तहत एक साथ देश भर के 4 राज्यों में 11 यात्राएं हुई। राजभवन में 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने विश्व रंग पुस्तक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ देश भर के 4 राज्यों में 11 यात्राएं भी रवाना की गईं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे, प्रोफेसर चांसलर श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी एवं अन्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राज्यपाल के स्वागत शॉल और श्रीफल के साथ किया गया। इसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से पुस्तकें भेंट की गईं। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी ने पुस्तक यात्रा के वाहन तथा आजादी के लिए संघर्ष करने वाले नायकों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पुस्तक यात्रा की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का यह प्रयास सराहनीय है। साथ ही कहा कि इसका लाभ बच्चों, विद्यार्थियों और समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। इसकी विशेष बात यह भी है कि यह यात्रा उन दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगी, लोगों को इस अभियान से जोड़ेगी जहां आमतौर पर जानकारियां एवं पुस्तकों की पहुंच मुश्किल होती है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे ने इस पहल पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के व्यापक जुड़ाव के साथ विश्वरंग पुस्तक यात्रा का उद्देश्य भारत के गुमनाम नायकों को सामने लाना है, चाहे वो वैज्ञानिक हों, लेखक हों, इतिहासकार हों, यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानी भी हों, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और विरासत को विश्व मानचित्र पर लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे कहा कि किताबें ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं, इसलिए हम मानते हैं कि ज्ञान सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। विश्वरंग पुस्तक यात्रा के इस संस्करण में 22 से 30 सितंबर के बीच कुल 11 यात्राएं आयोजित होंगी, जिनमें से 7 यात्राएं मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, रायसेन में, 2 यात्राएं छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में होंगी, वहीं बिहार के वैशाली और झारखंड में हजारीबाग में एक एक यात्रा आयोजित होगी। इन शहरों से शुरू होकर चलित लाइब्रेरी आसपास के 7-8 जिलों को कवर करेगी। इस पहल के माध्यम से आईसेक्ट समूह का उद्देश्य पुराने पुस्तकालयों को और पुनः स्थापित करना है, जिनके पास अद्वितीय पुस्तकों का खजाना और ज्ञान का स्थान है। विश्वरंग पुस्तक यात्रा प्राथमिक लक्ष्य के रूप में पुस्तकों के दान पर ध्यान देगी। इस पहल के एक भाग के रूप में आईसेक्ट समूह का लक्ष्य 4 राज्यों, 100 जिलों और 200 ब्लॉक में कुल मिलाकर 15,000 किलोमीटर की यात्रा को तय करना है। विश्वरंग पुस्तक यात्रा वाहन भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के चुनिंदा जिलों में प्रमुख स्थानों पर मौजूद रहेंगी, जिसमें कई विधाओं और प्रसिद्ध लेखकों की किताबों से आप रूबरू हो सकेंगे। 11 दिवसीय उत्सव का समापन 30 सितंबर को भोपाल के रविंद्र भवन में बड़ी धूमधाम और गायिका मालिनी अवस्थी की आकर्षक गायन प्रस्तुति के साथ किया जाएगा।